मैंने डेली एक शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड किया फॉर 30 डेज स्ट्रेट और मैंने गेन किए 500,000 व्यूज। मेरे दो सिंपल रूल्स थे, मुझे मेरे ही नीश में शॉर्ट्स बनाना है जो मेरे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का एक एक्सटेंशन हो, दैट इज ऑडियंस बिल्डिंग एंड क्रिएटिव करियर। मुझे एक शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड करना है एवरी डे फॉर 30 डेज। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद मैंने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न को नोटिस किया मेरे शॉर्ट्स में, जिसको मैं आगे शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको मेरे 4-स्टेप प्रोसेस को रिवील करूंगा ऑफ क्रिएटिंग अ शॉर्ट्स वीडियो, मेरी एनालिटिक्स को शेयर करूंगा, माई 3 टॉप performing shorts, how much did I earn through shorts, my key takeaways after completing 30 days shorts challenge and my future plans with shorts. Ye video kafi interesting hone wala hai, to watch this video till the end. Let's understand my 4-step process of creating shorts. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बेस्ड ऑन योर रिसर्च आपके आगे के स्टेप्स काफी फास्ट और एफिशिएंट होंगे। मेरा रिसर्च इज एक्चुअली व्हाट आई कंज्यूम। सो जब भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग देखता हूँ या फिर कुछ रीड करता हूँ जिसपे मेरा कोई इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है या फिर मैं कुछ अपना ऐड कर सकता हूँ तो मैं मेरे नोशन में लिख देता हूँ। यस, मैं नोशन यूज करता हूँ टू प्लान एंड रिसर्च माई वीडियोस। आई कॉल इट माई आइडिया बैंक। फॉर मी स्क्रोलिंग ऑन सोशल मीडिया इज वर्क बिकॉज वहां से मुझे आइडियाज आती है फॉर क्रिएटिंग बेटर कॉन्टेंट। ऑल्सो बिकॉज मेरे शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट का नीच एक ही है, मैं मेरे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के एंगेजिंग पार्ट्स को लेके भी शॉर्ट्स बना देता हूँ। मेरा एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो से 3-5 शॉर्ट्स बन जाते हैं। एक बार मेरा आइडिया बैंक फिल हो गया, मैं जाता हूँ मेरे दूसरे स्टेप पे, स्क्रिप्टिंग। मैं मेरी आइडिया बैंक से कोई भी 10 इंटरेस्टिंग वीडियो आइडियाज को चूज करता हूँ टू राइट स्क्रिप्ट। यस, मैं बैच शूट करता हूँ 10 शॉर्ट्स को एक साथ, तो मेरे पास 10 वीडियोस की स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए। बिकॉज मैंने रिसर्च में अच्छा टाइम दिया है, मैं अप्रॉक्सिमेटली 1-1.5 आवर में ये 10 वीडियोस की स्क्रिप्ट लिख देता हूँ। मैं वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट लिखता हूँ बिकॉज वो मेरा शूटिंग और एडिटिंग प्रोसेस काफी आसान कर देता है। मैं एम करता हूँ अप्रॉक्सिमेटली 90-150 वर्ड्स पर 1 शॉर्ट वीडियो, सो दैट मैं 30-40 सेकंड का एक एंगेजिंग शॉर्ट्स वीडियो बना पाऊँ बेस्ड ऑन माय टॉकिंग स्टाइल एंड स्पीड। स्क्रिप्ट के लिए मैं ChatGPT का भी हेल्प लेता हूँ और उस पर मैंने पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया है, मैं आई लिंक पे डाल दूंगा, आप देख सकते हो बाद। मैं मेरी स्क्रिप्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, हुक, वैल्यू एंड एंड। अपने स्क्रिप्ट में एक स्ट्रॉन्ग हुक लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑडियंस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को पैसिवली कंज्यूम करते हैं। मुझे एक एंगेजिंग हुक लिखना पड़ेगा सो दैट दे स्टॉप स्क्रॉलिंग एंड वॉच माय कंटेंट। अ हुक कुड बी अ क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट, अ जोक और अ सरप्राइजिंग फैक्ट। इसके बाद आता है वैल्यू, जो मेरा मेन एलिमेंट है पूरे वीडियो का। सिंस मेरे पास टाइम कम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू फोकस ऑन 1 क्लियर आइडिया और मैसेज एंड मेक द स्क्रिप्ट शॉर्ट एंड क्रिस्प। एंड में मैं एक क्लियर कॉल टू एक्शन देता हूँ सो दैट मेरे व्यूअर्स को मैं एनकरेज करता हूँ टू एंगेज विद माय शॉर्ट्स, बी इट थ्रू कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स। एक बार मेरी स्क्रिप्ट रेडी हो गई, टाइम फॉर द नेक्स्ट स्टेप, शूटिंग। As I said earlier, मैं एक साथ 10 शॉट्स को बैच शूट करता हूँ। मुझे अराउंड 20 मिनट लगता है टू शूट दिस 10 वीडियोस और ये इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज आई रिसर्च एंड शूट इन एडवांस। फर्स्ट 2 स्टेप्स को स्किप मत करना बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एन एफिशिएंट प्रोसेस। इसके बाद आता है एडिटिंग। एडिटिंग में मेरा एक ही फोकस होता है टू नॉट मेक माई शॉर्ट्स बोरिंग। मैं टेक्स्ट, एनिमेशन, साउंड इफेक्ट्स, विजुअल इमेजेस का यूज करता हूँ टू मेक माई शॉर्ट्स एंगेजिंग। कंसिडरिंग मैं शॉर्ट्स के साथ मेरा लॉन्ग फॉर्म वीडियो कॉन्टेंट और फोटोग्राफी भी करता हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट टू असाइन ओनली 1 आवर फॉर एडिटिंग 1 शॉर्ट्स, उससे ज्यादा नहीं। सो ये था मेरा 4-स्टेप प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग अ शॉर्ट्स वीडियो। अब आते हैं मेरे एनालिटिक्स पे। लास्ट 28 डेज में मुझे 491.7 के व्यूज मिला है और 1.9 के सब्सक्राइबर्स। बट अगर मैं आपको मार्च का स्पेसिफिकली दिखाऊं तो मैं जाऊंगा मार्च, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में मुझे व्यूज बहुत कम मिला था, स्टार्टेड विद अराउंड 2-3,000 एवरी डे। धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, 6-7,000 हुआ। फिर एक ऐसा टाइम आया कि मैं ग्रो करने लगा तो 15,000-20,000 व्यूज पर डे आ रहे थे थ्रू शॉर्ट्स, और अभी करंटली अराउंड 29,000-30,000 27,000 आ रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि मेरी शॉर्ट्स की रीच कहां से आ रही है मैक्सिमम। इफ यू नोटिस, शॉर्ट्स फीड से मुझे 52.8% का रीच आया है। मेरा सेकेंड बेस्ट रीच यूट्यूब सर्च से आया, दैट इज 19.5%। थर्ड हाईएस्ट रीच आया है ब्राउज फीचर्स से। ब्राउज फीचर्स इज बेसिकली होम पेज या होम स्क्रीन पे जो वीडियोस दिखते हैं आपको सामने पहले, दैट इज ब्राउज फीचर्स। लास्ट 90 डेज का दिखाऊं, आप देख सकते हो मैंने 2,000 सब्सक्राइबर्स ओवरऑल अभी तक गेन किए थ्रू शॉर्ट्स, अराउंड 500,000 व्यूज को गेन किया है। मेरा ग्रोथ ग्रेजुअली ही होगा और दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक ग्राफ, और मेजॉरिटी लोग का ऐसा ही होगा, रैंडमली कोई वायरल नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंटली अपलोड करना पड़ेगा, फिर इवेंचुअली एक वीडियो वायरल होगा और फिर आपके ओवरऑल शॉर्ट्स के व्यूज बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं मेरे टॉप 3 शॉर्ट्स के एनालिटिक्स में। फर्स्ट इस टॉप 3 वीडियो एडिटिंग एप्स फॉर एंड्रॉइड, 1 लाख व्यूज को क्रॉस कर दिया है। आई हैव गेन 228 सब्सक्राइबर्स यही शॉर्ट से और मैंने कुछ 69 रुपीज
अर्न किए, मेरा रिटेंशन ऑलमोस्ट 75% है, विच इज़ वेरी गुड, उतना होना ही चाहिए। इसका रीच मुझे यूट्यूब सर्च से मिला है, दैट इज 81.6%, विच इज़ अ लॉट। सो इफ यू नोटिस, यूट्यूब सर्च में भी अभी लॉन्ग फॉर्म वीडियोज के साथ शॉर्ट्स भी रिकमेंड हो रहे हैं। अब आते हैं सेकेंड टॉप वीडियो पे। अभी इसकी कहानी पूरी अलग है कंपेरिजन टू फर्स्ट वीडियो। इसके व्यूज कम 86.8K, बट मैंने सब्सक्राइबर ज्यादा गेन किए 378। और ये वीडियो एक एडिटिंग ट्यूटोरियल था, इसलिए बहुत लोग को हेल्पफुल लगा एंड प्रोबेबली इसीलिए ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले मुझे। आप देख सकते हो इसमें मेरा एवरेज रिटेंशन रेट इज 87.9%। इसका रीच अगर हम देखें तो ज्यादा शॉर्ट्स फीड से है, विच इज इम्पोर्टेंट, मेजोरिटी को वैसे ही आने वाला है शॉर्ट फीड से ही। अब आते हैं मेरे थर्ड हाईएस्ट टॉप परफॉर्मिंग वीडियो, दैट इज 38K, उतना ज्यादा नहीं है। इसका रिटेंशन रेट इज 94%। सो बेसिकली जितने कम ड्यूरेशन वाले आप वीडियोस बनाओगे उतना आपका रिटेंशन बढ़ेगा एंड यूट्यूब वॉन्ट्स दैट। उसके बारे में मैं डिटेल में आगे आपको समझाऊंगा। इसका रीच भी आप देख सकते हो शॉर्ट फीड से ज्यादा मिला सेकंड यूट्यूब सर्च। अब बात करते हैं मुझे हाफ मिलियन शॉर्ट व्यूज पर कितना पैसा मिला। आप गेस करो, मेरे कमेंट्स में लिखो। मुझे हाफ मिलियन शॉर्ट व्यूज का पैसा मिला है 347.63 रुपीज। आई नो ये बहुत कम है, बट आई फील ये शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन का इनिशियल स्टेज है, जस्ट लाइक लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब एडसेंस रेवेन्यू। पहले सब लोग फिगर आउट कर रहे थे और स्टार्टिंग में रेवेन्यू बहुत कम था, ग्रेजुअली एडवर्टाइजर्स आए और सबका रेवेन्यू बढ़ा। शॉर्ट्स के साथ भी यही होगा, जैसे और एडवर्टाइजर्स शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे ट्रस्ट करके अपनी एड्स चलाएंगे उतना ही बाकी सारे यूजर्स को बेनिफिट होगा। अगर अब तक आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 30 डेज चैलेंज, दीज आर माय 4 की टेकअवेज। कीप योर शॉर्ट्स शॉर्ट। एक शॉर्ट में 60 सेकंड का लिमिट है, डजंट मीन आप यूटिलाइज करो उसको पूरा। एवरेज शॉर्ट शुड बी बिटवीन 30 to 45 seconds, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज रिटेंशन रेट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक टू ग्रो योर शॉर्ट्स। आपका गोल होना चाहिए टू गेट एटलीस्ट 75% रिटेंशन रेट फॉर एल्गोरिदम टू पुश योर कंटेंट। अगर आपके वीडियोस लंबे और बोरिंग होंगे तो लोग आपके वीडियोस को स्वाइप कर देंगे, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट, डोंट लेट देम स्वाइप अवे। यूट्यूब एनालिटिक्स में अभी नया मेट्रिक आया है, हाउ मेनी चोज टू व्यू। पूरे वीडियो का रिटेंशन रेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट 5 seconds, बिकॉज अगर आपकी ऑडियंस आपके शॉर्ट्स को देख ही नहीं रही तो आपका रिटेंशन तो वैसे भी जीरो ही होगा। सम टिप्स टू इम्प्रूव योर हुक, मेक इट रेलेवेंट टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो, यूज ह्यूमर, अ जोक और अ फनी स्टोरी, सो दैट आप अपने ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर पाओ। क्रिएट सस्पेंस इन द स्टार्ट, यूज अ कोट फ्रॉम फेमस पर्सन, कीप इट शॉर्ट। माय नेक्स्ट टेक अवे इज टू बैच शूट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक साथ 10 शॉर्ट वीडियोस को बैच शूट करो, बट आप एक साथ 2 या 3 वीडियोस को साथ में शूट कर सकते हो। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप एक फ्लो में बात कर पाओगे व्हाइल शूटिंग। आपका स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप कंसिस्टेंटली वीडियोस को अपलोड कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंसिस्टेंसी विंस। शॉर्ट्स में क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। शॉर्ट्स बहुत अलग है देन रील्स, यहाँ पे ट्रेंडिंग ऑडियो काम नहीं आता है। डोंट फोकस ऑन परफेक्शन, आपके पहले 10 वीडियोस अच्छे नहीं होंगे एंड दैट्स ओके। कीप ऑन क्रिएटिंग एंड इंप्रूव ऑल टाइम। आप अपने व्यूज को कंपेयर मत करो किसी और के चैनल से, किसी का कंटेंट पहले वायरल हो जाता है किसी का बाद में, बट अगर आप कंसिस्टेंटली अपलोड करोगे तो यू विल डेफिनेटली ग्रो ऑन योर शॉर्ट्स। सो बेसिकली आपको शॉर्ट्स यूज करना है टू गेट मोर आईबॉल्स ऑन योर चैनल, जिससे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और फिर वो ऑडियंस को यूट्यूब आपका लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट दिखाएगा। आप किस नीश पे शॉर्ट्स बनाते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। व्हाट आर माई फ्यूचर प्लान्स विद शॉर्ट्स? यस, आई डेफिनेटली कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट मंथ वंस आई फाइंड अ गुड वीडियो एडिटर। आप वो वीडियो एडिटर अच्छे हो या फिर आप किसी को जानते हो, मैं लिंक डाल दूंगा, आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और मेरा फोकस फोटोग्राफी और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी है। मैं एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा हूँ, उसकी डिटेल्स मैं आपको जल्द ही शेयर करूंगा, थोड़ा वेट कीजिए बिकॉज इट्स गोना बी वर्थ अ शॉट। यूट्यूब शॉर्ट्स को यूज करके एक चैनल ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए खाली 60 डेज में। मैंने उसके चैनल पे डीप एनालिसिस किया है और ये वीडियो हर एक बिगनर यूट्यूब क्रिएटर के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपको वो वीडियो देखना है, क्लिक हियर टू वॉच। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में।